हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के मोरी गांव में आपदा प्रभावितों की समस्या को लेकर धारचूला के विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। हरीश धामी ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि आप आपदा प्रभावितों को बचा दें, उन्हें पुनर्वास करा दें। बदले में आप यदि अभी कहें तो मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप कहें तो मैं 2022 का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, बस आप आपदा प्रभावितों को बचा लें। आपको बता दें, कांग्रेसी विधायक हरीश धामी बंगापानी तहसील के मोरी गांव से लौट रहे थे, जिस दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया, जिस हादसे में कांग्रेसी विधायक बाल बाल बचे हैं। ये भी बता दें कि हरीश धामी चिमड़ियागाड़ नाले को पार कर रही थी, जिस दौरान अचानक मलबे के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से बह गए और साथ में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बमुश्किल विधायक धामी को बचाया। इस दौरान विधायक धामी के मुंह, नाक और कानों में मलबा घुस गया। वहीं बोल्डरों की चपेट में आने से विधायक को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद विधायक को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। वहीं ये सब देखते हुए विधायक ने आपदा प्रभावितों की मदद की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आपदा पीड़ितों को कब और कितनी राहत दी जाती है। अरे उठा लो उठा लो, ये बहते बहते हरीश धामी जी बच चुके हैं, आधा बह गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस का विधायक जरूर हूँ, लेकिन ये धारचूला की जनता, यह भी आप ही की जनता है। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी इस जनता को रेस्क्यू कर बचा लें, क्योंकि आज बहुत नाजुक स्थिति है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे लोगों को सुरक्षित निकाल दीजिए, इनको सुरक्षित जगह पर पुनर्वास कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को सुरक्षित निकाल दें। आज जिस तरह मैं अपनी जनता के बीच गया, उनको देख रहा हूं, मैं भी बाल बाल बच के आया हूं भगवान की कृपा से, मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप हेली सेवा कर, जो ये मोरी लोग मोरी में फंसे हैं, लुमती में फंसे हैं, मेथरी के लोग फंसे हैं, या धारचूला में जितनी त्रासदी धारचूला मुंशियारी में आई है, आप इनके साथ इंसाफ करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तत्काल अभी भी मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जनता की ये बुरा हाल, इस तरह का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को बचा लें, आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात जरूर सुने।